टकराया नहीं, बस हल्का टकराया गया, उसके बाद वो फिर से चले गया, फिर हम फिर से चले गए। अच्छा, तो किसी से जा रहा था? हम भी साइकिल से। और वो भी साइकिल से। ठीक ही था। हाँ हाँ ठीक, सही बता। हाँ हाँ, इसीलिए तो बच गया, क्योंकि तो जानवर से टकरवा देता है। तुम्हें कब इधर चलो, मैं पूरी दिन होगा दोनों में। कैसे होगा भाई, मैं इधर चला ये इधर चला, कैसे पूरी दिन होगा? आज मेरा घबराना नहीं है, ये रामलाल है, मैं यहाँ हूँ। तू इस लाइन पे चलना धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, और मैं इधर चलूंगा। मैं पूरी दिन होगा दोनों में, इधर कब इधर चलो इधर इधर, मैं पूरी दिन होगा दोनों में। कैसे होगा भाई, मैं इधर चला ये इधर चला, कैसे पूरी दिन होगा? आज मेरा घर यहाँ सटे खड़े हो जाते, यहाँ सटे खड़े हो जाते, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अरे काम करते, तू सीधा चलना, एकदम धीरे धीरे सीधा चलना, पूरी दिन होगा क्या? और आने करा कर, अरे मैं नहीं आया, यहाँ यहाँ खड़ा रहा, मैं यहाँ हूँ, मैं सीधा चल रहा हूँ, ये घर जा रहा, पूरी दिन होगा क्या? मैं नहीं टकराया। अब मैं क्यों नहीं टकराया, उसका रीजन मैं यहाँ पर आप समझा दूँ, देख आजा वापस आ जाता हूँ। क्यों नहीं टकराया, देख जैसे ये है बी और ये है ए, मैं इसकी तरफ चला बी से और ये मेरे परपेंडिकुलर चला बी से, क्यों नहीं हुआ कोलिजन? नहीं हुआ ना, तुम्हारे सामने देखा ना, नहीं हुआ ना, ये नीचे गया बीबी से और मैं इसकी तरफ जा रहा था बी से, नहीं हुआ ना कोलिजन? वो फिजिकली तुमने देखा, एक बार और देखो, तू चल रहा एकदम धीरे चलना सीधा चल, हाँ नहीं हुआ कोलिजन, क्यों नहीं हुआ? अब मैं तुम्हें यहां पर समझाता हूँ, रीजन समझाता हूँ, ध्यान से देखना, वहां करो रीजन समझा तो ध्यान से देखना। तो ए कुमार ऑब्जर्वर सचिव हो गया ऑब्जर्वर, अब जो ए की वेलोसिटी थी उसको उल्टा करके इसमें चिपका दो, ये हो गया बी ए। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये बी बी ये बी ए, तो नेट वेलोसिटी का इधर आएगा, हाँ तो ये वेलोसिटी ऑफ बी बी रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। अब एक पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वर की तरह रेस्ट में रहेगा और बी उसको इस लाइन पे आता हुआ दिखाई देगा, तो कहां से हो जाएगा कोलिजन? नहीं हुआ कोलिजन, नहीं हुआ कोलिजन। अब सुन, बात समझने की कोशिश खुद भी कर, चल मान ले ये ए है और ए इधर जा रहा बी से और ये बी है, बी इधर जा रहा बी से, पता कोलिजन होगा, पता होगा कोलिजन? आजा भाई यहां खड़ा हो जा, तू एकदम धीरे धीरे इधर भाग रहा तेरा, ठीक है, और मैं एकदम धीरे धीरे इधर भागू, चल हुआ कोलिजन? अब तुम्हें यहां दिख रहा है ना कि कोलिजन नहीं हुआ। अब मैं मैथमेटिकली समझाता हूं, इसके से तुम्हें पता लगा सर ए तो इधर भाग जाएगा बी इधर भाग जाएगा तो क्या डैश कोलिजन होगा। अब मैं तुम्हें फिजिकली मैथमेटिकली समझाता हूं, ए को रेस्ट में मान सर, मान लिया बी यहां है, हाँ सर, ए की वेलोसिटी उल्टा करके इसको दो, सर इधर आ जाएगा ए की वेलोसिटी, क्यों? ए की वेलोसिटी उल्टा करोगे तो इधर चिपका दिया, पट्टी पहले से इधर था, अब भाई साहब बी ए भी इधर बी बी इधर दोनों मिलकर द्रुत गति से इधर भाग जाएगा और ये मुंह देखता रह जाएगा कहां से कोलिजन हुआ, कब कोलिजन हो सकता है, कब कोलिजन हो सकता है? आओ भाई फिर से आ जाओ एक बार, कोलिजन तब हो सकता है कि मान लो ये बी ए, इस एंगल को मैं मानता हूं अल्फा, इस एंगल को मानता हूं मैं अल्फा, देखना देखना देखना, इस एंगल को मैं मानता हूं अल्फा, इस एंगल को मानता हूं बीटा, अब देखना, अब देखना, ये अगर अपने आप को रेस्ट में मान ले, मतलब ये रेस्ट में आ गया, ऑब्जर्वर हो गया पॉइंट की तरह, अपनी वेलोसिटी को अल्फा एंगल पे उल्टा करके बी को देगा, तो बी की खुद की वेलोसिटी इधर थी बीटा एंगल पे और ए ने अपनी वेलोसिटी इस तरह से उल्टा किया, बीटा अल्फा एंगल पे इसको दे दिया, अल्फा एंगल पे इसको दे दिया बीटा। अब यहां पे कोलिजन हो सकता है, हो जाए ये जरूरी नहीं है, यहां पे कोलिजन हो सकता है, हो जाए ये जरूरी नहीं, हो सकता है, कब हो सकता है? जब उसकी का कंपोनेंट पीछे और बीबी का कंपोनेंट पीछे ऐड हो जाएगा, ये जरूरी कंडीशन नहीं, ये तो ऐड होना ही है, बीए का कंपोनेंट अल्फा एंगल पे बीए कॉस अल्फा और बीबी का कंपोनेंट बीटा एंगल पे बीबी कॉस बीटा, ये ऐड होने से कोलिजन हो जाएगा क्या? नहीं, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होकर नेट वेलोसिटी आया, ये कोलिजन करा भी ये जरूरी नहीं है, ये तो इस लाइन पे हुआ, ये तो इस लाइन पे हुआ। आप देखना ध्यान से सर, इस बीए का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा बीए साइन अल्फा, अल्फा से इधर और ये होगा बीबी साइन अल्फा, अगर बीबी साइन अल्फा और बीए साइन अल्फा का कोई भी कंपोनेंट बच गया तो कोलिजन नहीं होगा, जो एनी के लॉन्ग होना चाहिए और लाइन जो एनी के परपेंडिकुलर कैंसिल होना चाहिए,
जितना इसकी वेलोसिटी y में हूं उतना ही इसकी वेलोसिटी y में हूं, लाइन टू लाइन इनकी परपेंडिकुलर, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी y में जीरो, तो x की रिलेटिव वेलोसिटी बचे, मतलब कि लाइन टू लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी बचे, तभी कोलिजन होगा। फील आया कि नहीं आया? अब देखो इस भाई को, तुमको कुछ समझ आया? वो कुछ नहीं आया। कभी किसी से टकराया है? टकरा गया था कहां? रास्ते में कैसे टकरा गया? तो तू हेड ऑन कोलिजन किया एकदम सीधे सीधे है, पर टेढ़ा मेरा नहीं क्या? ऐसे निकल गया। तुम टकराया कि नहीं? बस हल्का टकराया गया, उसके बाद वो फिर से चले गया, फिर हम फिर से चले गए। अच्छा, तू किसी से जा रहा था? हम भी साइकिल से। और वो भी साइकिल से। ठीक ही था। हाँ हाँ सही बता। हाँ हाँ इसीलिए तू बच गया, क्योंकि तो जानवर से टकरवा देता है इससे। तो अभी मान लो कि तुम यहाँ हो और हम यहाँ हैं, तो कोलिजन की कंडीशन कब बनेगी? जब तुम उधर भाग जाओगे हम इधर भाग जाएंगे तो कोलिजन होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा तुम इधर भागोगे हम इधर भागेंगे तो कोलिजन होगा क्या? हो जाएगा। तू उधर भागेगा हम इधर भागेंगे तो नहीं कोलिजन हो जाएगा? कब होगा कोलिजन बता? तू कहाँ जाएगा? हाँ मैं कहाँ जाऊँ? तो हो जाएगा। कब? चल 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 कहाँ होगा? कहाँ होगा यार? कैसे होगा? कैसे होगा बता? कौन सी क्लास तक पढ़े हो तुम? दसवीं तक पढ़े थे? कैसे हुआ कोलिजन बता? कैसे टकराए हम दोनों? ऐसे में तो यार 1D हो गया, हमको सीधा नहीं टकराना, थोड़ा इधर उधर टकराना है। कैसे टकराए बताओ? सुनो, धीरे धीरे करके उस दीवार को देखते हुए तुम चलना, ठीक है? ठीक है, पीछे जाओ ना, और मैं उस कोने को देखते हुए चलूंगा, ठीक है? ठीक है, अब देखना जितना आगे मैं सकता हूँ उतना ही आगे भाई साहब सकते होंगे, तब कहीं हम टकराएंगे, और ये वाली कंपोनेंट ऐड हो जाएगी। चलना शुरू करें एकदम धीरे धीरे, चलो 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 एकदम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे चलो, तो टकरा गए। कैसे टकराए? हाँ सिर्फ देखने की वजह से थोड़ी टकराए यार, वेलोसिटी का भी कोई कंडीशन होता है। मान ले मैं ऑब्जर्वर हूं और तू इधर जा रहा था, तो तुम्हारी ये वाली वेलोसिटी मुझे दिखाई देगी, और मैं इधर जा रहा था अपनी वेलोसिटी पर जोड़ दूंगा, ठीक है ना? तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम मेरी तरफ आते इसलिए मेरे से टकरा गए, ठीक है? आगे 11वीं क्लास में जाओगे तब समझोगे। चलो बाय। गेट बंद कर दो। अच्छा 10वीं क्लास का बच्चा समझ के चला गया, लाना था तुम पे, तो तुमको समझ नहीं आया।